क्वेश्चन में है कि लास्ट यूनिट डिजिट इसका क्या आएगा, 7:95 -3:58। अब आप इसको अगर कैलकुलेटर से भी करोगे तो आपको आंसर नहीं मिलेगा, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, कैसे आएगा आपको? विदाउट कैलकुलेटर भी आपको आंसर बहुत सिंपल है, बहुत फास्ट आप इसका निकाल सकते हो, क्योंकि SSC एग्जाम में ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, आपको क्या करना है, 7 के ऊपर क्या बोला है, 9.95, पहले 7 का साइकिल देख लो। अब साइकिल क्या होता है वो चीज़ समझ लो, हर नंबर का साइकिल होता है। जैसे अगर मैं 7 के ऊपर पावर 1 करूँगा तो आखिरी नंबर 7 आएगा, लेकिन 7 के ऊपर पावर 2 करूँगा, 7 का पावर होता है 2, 49, आखिरी नंबर आ रहा 9, आखिरी वाला नंबर पे ध्यान देना है आपको। 7 के ऊपर पावर 3 करूँगा तो मेरा आंसर आएगा 343, ठीक है, 343 आ जाएगा। तो अब आखिरी नंबर आ रहा 3, और 7 के ऊपर अगर मैंने 4 कर दिया तो कितना आएगा मुझे एक बार बताओ, 343 मल्टीप्लाई बाय 7 21, देखो लास्ट में 1 आ रहा है, तो इसके लास्ट में पावर आएगा 1। ठीक है, नंबर जो भी आया मुझे उससे लेना देना नहीं, मुझे लास्ट का डिजिट चाहिए क्योंकि मुझे लास्ट डिजिट पूछा है। ठीक है, अब देखो 7:5 करोगे ना तो उसका लास्ट वाला जो डिजिट आएगा वो वापस से 7 आएगा, मतलब ये देखो वापस से रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 7931। तो इसको साइकिल बोलते हैं, जहाँ तक वो रिपीट नहीं होता है वो उनकी साइकिल होती है। तो 7 का 4 साइकिल होती है, 7 की कितनी साइकिल होती है, 4 साइकिल होती है। 7 के ऊपर पहला आया तो 7 आखिरी में नंबर आएगा, 7 के ऊपर 2 आया तो उसका लास्ट डिजिट 9 आएगा, 7 के ऊपर 3 आया तो लास्ट डिजिट 3 आएगा, और 7 के ऊपर 4 आया तो लास्ट डिजिट आएगा 1। इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब आप 7 का तो देख लिया, आप 3 का देखना, 3 का जो साइकिल आएगा 3:1 3:2 9 आ रहा है, 3:3 आपका क्या आएगा, 9 3 27, आखिरी में 7 आ रहा है, और 3:4 तो आपका आएगा 81। अब 3:5 करेंगे तो वापस आएगा 243, मतलब वापस से ये रिपीट हो रहा है, मतलब इसका भी कितना साइकिल है, 4 साइकिल है। तो 3 का भी कितना साइकिल है, 4 साइकिल है। ठीक है, तो जितना साइकिल है उतने से ये पावर को डिवाइड करना पड़ता है। 7 का पावर 95 है, 95 को मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, 4 2 8, एक इसको दिए, 4 3 15 हो जाए, अरे 12 हो जाएगा, बचा कितना, बचा कितना, बचा जितना है उसके ऊपर ध्यान देना है, 3 बचा, क्या बचा है, 3। रिमाइंडर कितना है, 3 उसका रिमाइंडर है, 3 क्या है, रिमाइंडर है, 7 का रिमाइंडर 3 है। अब आप देखो थर्ड साइकिल पे, ये पहला साइकिल, ये सेकंड, थर्ड नंबर पे, साइकिल के थर्ड नंबर पे 7 वाले में क्या नंबर आ रहा है, लास्ट वाला 3 आ रहा है, लास्ट वाला क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो यहाँ पर आपको लिखना है 3। ठीक है, अब आपको क्या करना है, 3 के जो पावर है 58 इसको वापस से 4 से डिवाइड करना है, क्योंकि 3 का भी 4 साइकिल है, 4 1 4 1 एक इसको दे दिए, 4 4 16, बचा कितना 2, क्योंकि 18 हो रहा था 2 बचा। अब देखो 4 के साइकिल में सेकंड नंबर पे लास्ट डिजिट क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, तो यहाँ पर 9 लिख दो, इन दोनों के बीच में क्या आ रहा है, -3 -9 क्या होता है, -6, क्या होता है, -6। तो इसका आंसर -6 नहीं है, अगर आंसर माइनस में आया तो उसको 10 से माइनस कर दो, 10 से 6 को अगर मैंने माइनस करा तो मेरा आंसर क्या आएगा, 4। तो इसका लास्ट डिजिट क्या आएगा, 4 आएगा, 4 हमारा फाइनल आंसर है।